मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। वह जातक भगवान भी है, धर्मात्मा भी है और देवभक्त भी है, और उसकी कुंडली में भगवान और राजसुख है, लेकिन कुछ छुटमुट थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी हैं, परेशानियों के बाद हो सकता है साधारण नहीं है। दूसरा, जातक की कुंडली में सरल विपरीत राजयोग है। उसको कोई भी लगन की कुंडली हो, ये लगन का भाव है, ये दशम भाव है, नवम भाव है। दशम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, नवम भाव भाग्य भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का व्यापार का भाव है, पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु तुल्य का भाव है, द्वादश भाव खर्च का है, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है, तृतीय भाव संघर्ष का भाव है, चतुर्थ भाव माता भूमि के सुख का भाव है। लगन कोई भी हो, जब लगन का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर दोनों की युति कहीं शुभ स्थान में होती है तो ऐसा जातक धर्मात्मा भी होता है, भगवान का भक्त भी होता है और राजमान व्यक्ति माना जाता है, उसको सम्मान भी बिकता है। दूसरा, नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दोनों की युति हो तो ऐसा जातक भगवान माना जाता है और उसको राजसुख भी मिलता है। आगे बात करेंगे सरल विपरीत राजयोग। जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया, हमारे ज्योतिष के विद्वान बताते हैं कि छठा आठवां बारहवां भाव ये विपरीत राजयोग बनाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो और केवल पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है? आपकी विपरीत परिस्थितियों में जब आदमी परेशान हो जाता है और जो उस टाइम पर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस टाइम पर वह राजयोग अपना काम करके आपको आगे राहत देता है और ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग है। तो कुंडली में शुभ अशुभ दोस्त तो बहुत होते हैं, अगर सब पर विचार किया जाए तो वीडियो में संभव नहीं है 10-15-20 मिनट के में। आज हम इन्हीं 2-3 बातों पर विचार करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। पुरुष जातक का जन्म 19 जून 1988 शुक्ल पक्ष पास मघाचरण एक में हुआ, रविवार का दिन था। दर्शकों मघाचरण एक अपने आप में मूल चरण है और मघाचरण एक माता का नाश करने वाला है, मतलब माता के पक्ष का किसी तरह से भी हो, माता बीमार होगी, माता का जल्दी स्वर्गराज हो जाएगा, माता का सुख नहीं मिलेगा, कई प्रकार के योग हो सकते हैं। साधारण तौर ज्योतिष शास्त्र में बताया है कि मघाचरण एक मूल नक्षत्र है और तीर प्रभावी है, पुरुषों का प्रभाव है, पितरों का प्रभाव होता है, जितने मूल नक्षत्र है, और वो माता के लिए अशुभ माना जाता है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ, कन्या लगन के 4°23 अंश विराजमान है, चतुर्थ भाव में शनि धनु राशि में 5° लेकर के विराजमान है और छठे भाव में कुंभ राशि में मंगल 23° और राहु 24°27' लेकर के विराजमान है। यहां पर मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। अष्टम भाव में मेष राशि में गुरु 29° लेकर राहु में 29°59' मृत अवस्था में है। नवम भाव में वृषभ राशि में शुक्र अपनी राशि में है 24° विषाद में। जैसा कि हम बताते हैं कि नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य भाव में शुक्र अपनी राशि में है, जातक का भाग बहुत ही प्रबल भाग्य है, वो भाग के सहारे पर उन्नति करेगा। दशम भाव में मिथुन राशि में सूर्य 4° लेकर विराजमान है, वहीं पर द्वादश भाव में जो कि खर्च का भाव है, सहवास का भाव है, उसमें सिंह राशि में चंद्र मृत अवस्था में 0.18° लेकर विराजमान है, वहीं पर केतु बलवान अवस्था में 24°27' लेकर यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों कन्या लगन के जातक, इनका स्वामी बुध है, कार्य करने से पहले ये विचारते नहीं, भावनाओं पर इनका नियंत्रण नहीं होता,
ऐसे जातक चारपाई में लेते हुए इनकी दुनिया भर की योजनाएं बनती हैं और जैसे ही चारपाई छोड़ते हैं तो वो योजनाएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में सोचो, आप जब पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे, हवाई किले बनाना, उन किलों में कोई दम नहीं है, इस तरह का जातक होता है। हवाई किले बना हमेशा द्विअर्थी बात करते हैं, ऐसे जातक हमेशा द्विअर्थी बात करते हैं, इनकी बात का निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं। ऐसे जातक क्यों बुद्ध की है, बुद्धिमान तो होंगे और विद्याधन में इनका रुझान भी होगा, लेकिन कुछ ग्रहों की विपरीत परिस्थिति के अनुसार फर्क में प्रभाव में फर्क भी आ सकता है। लग्नेश नवम भाव में, जब लग्नेश नवम भाव में होता है तो विद्वान माना जाता है, धर्मात्मा माना जाता है, क्षमाशील माना जाता है, तेजस्वी माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है, सम्मान मिलता है। परंतु यहां पर लग्नेश 25 डिग्री लेकर विराजमान है और सूर्य 4 डिग्री लेकर विराजमान में है, तो 9 डिग्री के अंतर में है, पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, 12-13 डिग्री तक बुध अस्त माना जाता है। तो यह बुध यहां पर इस प्रकार का प्रभाव देगा, जैसे कि आपने महसूस किया हो कि सुबह प्रातः उदय के समय पर सूर्य उदय हुआ नहीं और जो सुबह की जो वेला होती है उसमें हमको जितना दिखाई देता उतना प्रकाश होगा, या हम ऐसा मान के सोचे शाम को सूर्य अस्त के टाइम पर भी हमको कुछ प्रकाशमान दिखाई देता है, हम अपना कुछ काम करते रहते, इस प्रकार का बुध प्रभाव देगा, क्योंकि बुध अस्त है और बुध दशम भाव का स्वामी है और लग्नेश है। बुध कन्या लग्न में दो भावों का प्रतिनिधि बनता है, लग्न का भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न जिसकी कुंडली है वह स्वयं का प्रतिनिधि करता है, वह जातक स्वयं है, और जब लग्न का भाव का स्वामी अस्त हो गया तो अपनी चमक जातक नहीं दे सकता। ऐसा जातक जहां भी काम करेगा उसके काम का उसको श्रेय नहीं मिलेगा, उसके काम का श्रेय उसका दूसरा जिसके नीचे वो काम करता है या उसको मिल जाएगा या हवा में उड़ जाएगा। तो ऐसे जातक को अस्त होने की वजह से उसको पूरा श्रेय उसको नहीं मिलता। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव पृथक कारक ग्रह है और सूर्य तो सबसे पृथक कारक ग्रह है, लेकिन दशम भाव में सूर्य दिग्बली माना जाता है। क्यों? दशम भाव प्रशासन का भाव है और सूर्य प्रशासन का कार्य है, कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। सूर्य दशम भाव में है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, पिता के और राज के व्यवसाय में हानि देगा, कठिनाई देगा, और द्वादश भाव खर्च का भाव है, खर्च भी करेगा, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा, घरेलू सुखों में कमी देगी। सूर्य यहां पर पीड़ित है शनि से, यहां पर सूर्य का सम सप्तम योग बन रहा है तो दशम भाव की भी हानि हो रही है और चतुर्थ भाव की हानि हो रही है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, दोनों लगभग समान डिग्रियों में आमने सामने हैं, दोनों भाव की हानि हो रही है, सूर्य पीड़ित हो रहा, सूर्य ग्रहों का राजा है, प्रबल पित्त रोष बन जाता है, और किसी यानी अगर जब सूर्य पीड़ित होता है तो पिता का सुख नहीं, आत्मा पीड़ित होती है और जातक जो है ना परेशानी में घूमता रहता है, क्योंकि सूर्य राजा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है, 0-0-18 डिग्री पर है, मृत अवस्था में। आप सीधा ये समझो कि चंद्रमा भी प्रभावहीन है, कोई प्रभाव ही नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है। इस काल्पनिक लाइन में 0-0-1-8 कितना होता है, वो लाइन भी क्रॉस नहीं करेगा तो कहां प्रभाव देगा, मृत अवस्था में होगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल तृतीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, शत्रु पर ऐसा जातक विजय प्राप्त करेगा, पुरुषार्थी होगा, क्योंकि मंगल पुरुषार्थी बनाता है, परिश्रमी बनाता है, भाई बहन से विरोध होगा, अष्टम दृष्टि से चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाव भाग्य भाव में कुछ थोड़ी सी परेशानी आएगी, सप्तम दृष्टि से यहां पर द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा, और नवम दृष्टि से यहां पर शत्रु की राशि लगन भाव को देख रहा, शरीर में रोग वगैरह देगा, तो छठे स्थान से दे रहा है, रोग भी देगा, शरीर में रोग देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है, और गुरु को केंद्राधिपति दोष लग गया है, और गुरु के साथ कोई त्रिकोणेश नहीं है, उसका दोष भंग नहीं होता। चतुर्थ भाव का स्वामी खड्डे में गिर गया, घरेलू सुखों की सब घरेलू सुखों का सबका नाश हो गया, जीवन साथी का प्रतिनिधि गुरु कर रहा है, अष्टम भाव में हो गया, देर से शादी होना और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का पाना है, क्योंकि गुरु दोषी है, गुरु अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है।
स्त्री व्यवसाय में ऐसा रहेगा। अगर बात करें तो 29 डिग्री पर मृत है, कुछ फल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर किसी का बलवान ग्रह है तो यहां से पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा खर्चा अधिक देगा। इसमें नहीं है, इसमें कुछ प्रभाव ही नहीं है, क्यों 29 डिग्री 59 मिनट लेकर पे है जस्ट जाने वाला, लेकिन आपकी कुंडली में अगर यहां पर बलवान स्थिति में है तो खर्चा अधिक करेगा, स्त्री से परेशानी होगी, धन बुद्धि के लिए धन वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करेगा क्योंकि चतुर्थ भाव को देख रहा है और चतुर्थ द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की और वृद्धि के लिए परिश्रम करेगा। चतुर्थ भाव पर नौ दृष्टि से देख रहा है, चतुर्थ भाव के सुखों में अपनी राशि को होते हुए भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा क्योंकि ये खड्डा है, खड्डे में बैठा हुआ है, ये अशुभ स्थान है। गुरु दर्श को सम्मान का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, गुरु एक गुरु है, उसको ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे तो वो भी आशीर्वाद अच्छा देगा और गुरु अगर मान लिया नीचे बैठेगा और हम ऊपर बैठेंगे तो कौन गुरु आशीर्वाद देगा, या इस तरह से भी समझ आ सकते हैं कि गुरु खड्डे में गिर गया है। अब बात करते हैं शुक्र की, दर्शकों शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, अपने भाव में है, भाग्य भाव में है, भाग्यशाली होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, धन का सुख मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख मिलेगा, भगवान बना रहा है, यहां पर जातक भगवान बना रहा है कि भाग्य का स्वामी अपने भाव में है। अब बात करते हैं शनि की, दर्शकों शनि पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, रोग देने वाला है, शनि चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में घरेलू सुखों की कमी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जहां पर भी दृष्टि डालेगा वहां पर त्रुटि पर प्रभाव देगा, घरेलू सुखों में कमी, माता के सुख में कमी और जो अन्य भौतिक सुखों में कमी डालेगा, तीर्थ दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा और शनि सप्तम दृष्टि से यहां पर दशम भाव को देख रहा है त्रुटिपूर्ण समस्या देगी, व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण समस्या देगी और सूर्य को पीड़ित कर रहा है, प्रबल पित्र दोष बन रहा है। शनि दशम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, लगन भाव को शरीर लगन में रोग देगा, क्यों रोग का स्वामी है और लगन जातक स्वयं है, स्वयं का प्रतिनिधि है, रोग देगा, ऐसा जातक हमेशा बीमार रहेगा। अब बात करते हैं राहु की, राहु दर्श को छठे भाव में शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, बहुत हिम्मत रहेगी, क्यों छठे भाव में पाप ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, पराक्रम हो जाता है, बहुत हिम्मत होगी, अपनी कमजोरी को छिपा करके उसको प्रकट नहीं होने देगा, सबको साहसी दिखाई देगा। पंचम दृष्टि से यहां पर दशम भाव को देख रहा है, मिथुन राशि को देख रहा है, व्यवसाय में अच्छा इजाफा देगा, अच्छा देगा, उन्नति देगा व्यवसाय में, व्यवसाय की उन्नति करेगा, परंतु सप्तम दृष्टि से खर्च अधिक देगा, खर्च का अधिक होगा और नवम दृष्टि से धन और कुटुंब, धन की हानि होगी, कुटुंब में कलेश होगा, कुटुंब की उसको सुख नहीं मिलेगा। बात करते हैं केतु की, केतु दर्श को द्वादश भाव में है, खर्च चिंता से परेशान हो जाएगा, खून में कमी आ सकती है, शत्रु पर प्रभाव होगा, सुख की हानि होगी और नवम दृष्टि से यहां पर केतु सूर्य को गुरु को भी पीड़ित कर रहा है, वैसे ही गुरु नकारात्मक कोई फायदा नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में है, रोग व्याधि देगा। ये मैंने आपको ग्रहों का सामान्य बताया। अब दर्शकों चलते हैं अपने शीर्षक की तरफ, लग्नेश और नवेश धर्मात्मा बनाते हैं, देवक बनाते हैं, लग्नेश बुध है और नवेश शुक्र है, बुध और शुक्र की यहां पर युति भगवान बनाती है, राजमान बनाती है, परंतु यहां पर त्रुटि है कि बुध अपना पूर्व फल नहीं दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह का उसको प्रभाव सोचो, जैसे सूर्य अस्त के बाद जो थोड़ा सा प्रकाश की किरण रहती है उतना प्रभाव सोचो, या सूर्य उदय से पहले सोचो, क्योंकि बुध अस्त है और बुध लग्नेश है, जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो प्रभाव कैसा होगा, फिर राजमान कहां से मिलेगा, किसको मिलेगा, क्यों लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। नवमेश और दशमेश, नवम भाव में मिथुन राशि है, नवम भाव में शुक्र राशि है, शुक्र यहां पर है और बुध दशमेश भी है, दोनों बुध ही ये दोनों योग बना रहा है, भगवान होगा, राज सुख होगा, भगवान तो होगा क्योंकि शुक्र अपने आप में बलवान है, लेकिन राज सुख देने वाला बुध अस्त है तो कैसे होगा। उसके बाद इसमें परेशानी आई, इसकी यहां पर पूजा की, उसके बाद आपको मैं और बताऊंगा क्या क्या उपाय इसकी के, ताकि ये योग उसको पूरा मिल सके। सरल विपरीत राजयोग,
अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में, आपकी कुंडली से किसी भी लग्न की हो अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में होगा और पाप प्रभावित होगा। ये सरल विपरीत राजयोग बोला गया है। जब विपरीत स्थिति में जातक गिर जाता है, जातक को परेशानी आती है, तो भगवान इसके द्वार खोल देता है। यहां पर अष्टम भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में है, राहु से पाप प्रभावित है, सरल विपरीत राजयोग बन रहा है। यह राजयोग सबसे अच्छा बनता है और इसमें जातक को बहुत धन माया सब कुछ मिल जाते हैं। अभी दर्शकों देखिए, मैंने कहा इस जातक का लग्नेश अस्त है, सूर्य शनि से पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है। इस जातक की यहां पर नर्मदा जी के तट पर नर्मदेहर, यहां पर पितृदोष पूजा की। जातक को हमने सलाह दी का बुध का रतन धारण कीजिए और सूर्य को हमेशा जल दीजिए। जातक ने पितृदोष पूजा का निवारण किया और सूर्य को जल दिया, कुछ ही दिनों में श्रद्धा से उसने काम किया और बुध का रतन धारण किया। क्यों? बुध लग्नेश है, उसकी राह आसान हो गई। और ये पूजा आदि करने के बाद, जल वगैरह देने के बाद, साल डेढ़ साल के अंदर उसकी बैंक में नौकरी लग गई। कर्म तो उसने किया, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। कोई भी ज्योतिष, कोई भी पंडित जी, कोई भी आचार्य सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है, कर्म तो आपको करना है। कर्म उसने किया, नहीं तो आप देखिए शनि यहां से कितने, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी दिग्बली बात अलग है, शनि उसको पीड़ित कर रहा है। लेकिन ये योग जो है बुध और शुक्र का, लग्नेश और दशमेश का या नवमेश का, ये महान है और ये भी उसका त्रुटिपूर्ण में था अस्त होने की वजह से। कर्म अस्त हो गए, आप सीधा नग पहनोगे, मैंने ये अनुभव में किया, उसका कोई फायदा मिलेगा? अस्त हुआ पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के अनुसार, पूर्व जन्म के पराश्रित आपको करने पड़ेंगे, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य के कारत कर्म करने पड़ेंगे, बुध के कारत करने पड़ेंगे, तो अवश्य ही आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य तो था ही, ऐसे ही आपका व्यवसाय में भी अच्छा इजाफा होगा। और वही हुआ जो एक जातक बीकॉम किया हुआ, अच्छे मार्क्स किया हुआ, अच्छा उसका, लेकिन ग्रह दोष की वजह से रोड पर आ गया। श्रद्धा से काम किया उसने, देर हुआ लेकिन फिर भी उसको वहां पर अच्छा व्यवसाय मिल गया, बैंक में नौकरी मिल गई। दर्शकों आज मैंने इस जातक की कुंडली का आपके सामने वर्णन किया। मैं समझता हूं आपका ये अगर वीडियो मार्गदर्शन कर सकता है तो और किसी का भी कर सकता है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और आप समझते हैं कि किसी का मार्गदर्शन हो सकता है, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं आपके लिए वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।